छतरगुल कंगन सड़क पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम, मुकामी लोगों का गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील, सरकारी खजाने से सिर्फ चंद लोगों की जेबें भरने का लगाया इल्जाम। इत्तलात के मुताबिक कच्छ नंबल छतरगुल राबता सड़क पर काफी वक्त के बाद काम तो शुरू किया गया, तह मुकामी लोगों के मुताबिक इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सबब लोगों ने इंतजामिया और मुतलका महकमे के तई नाराजगी का इजहार किया है। कंगन हलके के अपनी पार्टी के इंचार्ज नजीर अहमद मीर ने कहा कि हुकूमत ने महकमे पंचायत राज की रिपोर्ट के बिना पर 1.15 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए सड़क की तामीर और मरम्मत का टेंडर तलब किया था, ताम इस सड़क की मरम्मत के बजाय इसे और तबाह व बर्बाद कर रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सड़क की तामीर में नाकिस अशिया और जेएसबी की जगह बड़े पत्थर व मिट्टी इस्तेमाल हो रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि सड़क तामीर बराए नाम हो रही है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि कॉन्ट्रैक्टर की और मुतलका अहदेदारों की चांदी हो गई है, काम खत्म, पैसा हजम, इसी तरह आवाम का पैसा रायगा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत की मांग कच्छ नंबल से बाबा ऋषि तक की गई थी, तहम काम आधे रास्ते से शुरू हो गया है। नजीर अहमद ने सड़क की नाकिस तामीर की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। हमने बहुत कोशिश 2 सालों से किए थे एलजी साहब से और बशीर खान साहब से, जो एडवाइज़र साहब हैं, और डीसी साहिबा से गुजारिश की थी रोड के बारे में। यहाँ पे जो अभी शुरुआत हो गई है रोड को काम करने के लिए, और आप देखिए जो यहाँ पे ठेकेदार साहिबान जो काम कर रहे हैं, और आप देखिए ये बॉर्डर, जो बॉर्डर बड़े बड़े बॉर्डर इन्होंने यहाँ पे इस पे डाल दिए हैं जीएसबी के बल दे, और यहाँ इसको 1 इंच और डेढ़ इंच के बराबर जीएसबी यहाँ पे डालनी थी, और इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े बॉर्डर जो यहाँ आप देख लीजिए, ये सामने ये बॉर्डर है आप देख लीजिए, ये जीएसबी के बदले इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और खाली इतना बड़ा इसको डालने थे यहाँ पे जो बॉर्डर वगैरह इस पे जीएसबी के बदले डालने थे, और इन्होंने बड़ा बॉर्डर आप देखो हर जगह पे, ये देखो आप ये बॉर्डर इन्होंने यहाँ पे इस पे लगा दिया है, और आप देखो ये ना इंसाफी लोगों के साथ है। और सरासर मैं अपील करता हूँ डीसी साहब से, मेहरबानी करके एक दफ़ा आप इस पे एक्शन लीजिए, और डिपार्टमेंट को जो पीएमजी डिपार्टमेंट है, और इनसे भी जवाब मैं मांगता हूँ, इनके अफसर जेई साहिबान एई साहिबान वो कहाँ है, और यहाँ पे बड़े बड़े बॉर्डर इस पे डाल रहे हैं जीएसबी के बदले, जीएसबी जो होते हैं खाली 1.5 इंच, 2 इंच और 1 इंच के बराबर जो इस पे जो गड़े हो गए हैं, बड़े बड़े गड़े जो यहाँ पे हैं इनको डालने थे, और इन्होंने बड़े बॉर्डर इस पे, और बिल्कुल ये दिल से काम नहीं कर रहे हैं इस पे। जितना पैसा इसको 1 करोड़ 32 लाख के करीब जो पेमेंट इस पे आए हैं पीएमजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और मैं अपील करता हूं डीसी साहब से पूरी तौर इस पे एक्शन होना चाहिए। पहली बार गांधरबल कंगन के एसडीएच ट्रॉमा हॉस्पिटल मेन गेट के सामने इनफोकस डायग्नोस्टिक्स एडवांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी एंड कलर डॉपलर सेंटर में जदीद तरीन P9 अल्ट्रासाउंड दस्तियाब है। इस सेंटर में वादी के मशहूर और काबिल तरीन MD रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी के लिए तैनात है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमन, फीटल वेलबींग, ब्रेस्ट, थायराइड, स्क्रोटल एंड मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर की सहूलियत हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दस्तियाब होती है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।